सो हेलो, गुड मॉर्निंग दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम एक बहुत ही अच्छी जगह जाने वाले हैं और अमन भी हमारे साथ चलेगा। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। और कोई आ नहीं रहा, बस मेरी पहली बार जा रहा हूँ, ये भी दोस्त को लेकर अपने गाँव के अंदर जा रहा हूँ। तो मिलते हैं गाँव में। तो फाइनली हम लोग अमन के गांव धनौल्टी के लिए निकल चुके हैं और कुछ टाइम बाद हम वहां पहुंचेंगे। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और नज़ारा एकदम बहुत तगड़ा है, एकदम बढ़िया सा व्यू सुबह का। ये क्लॉक टावर है देहरादून। सो गाइस, फाइनली हम अमन के घर पहुंच चुके हैं। अभी अभी हम गाड़ी से उतरे हैं, अब जा रहे हैं हम उसके सीधे घर पे। अभी 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। अभी हम आपको बर्फ़ दिखाएंगे, इधर अभी भी बर्फ़ पड़ी है और कल को हम वहां जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो कल को आपको वहां पे साफ साफ हम पूरी बर्फ़ दिखाएंगे। और इधर देहरादून से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इधर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा, और क्योंकि अभी इधर बर्फ़ वगैरह है और ये काफ़ी ऊँचाई पर है तो इसलिए यहाँ पर ठंडा हो रहा। तो अभी हम जा रहे हैं अमन के घर और फिर हाथ मुँह धोएंगे, खाने वगैरह खाएंगे। खाने के लिए हमने कॉल कर दिया ऑलरेडी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अमन के घर पे। ये है अमन के घर का रास्ता, प्यारी प्यारी सी सड़क है, एकदम चम हो रखी, झकास रखी बोलते। अभी ये ऐसी यार, अभी लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी सड़क है, पहले तो ये पूरी वैसी थी। ये है कुछ साइड व्यू अमन के गाँव का, आगे एकदम शांत माहौल रखा, एकदम कोई शोर शराबा नहीं, एकदम मस्त जिंदगी बोलते गाँव की, वही यहाँ पे बिताने को मिलेगी हमें कुछ दिन। और अभी हम आपको बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाएंगे, अगर दिखेगी तो आगे हल्का हल्का हिमालय दिख रहा है। अभी इसे भी क्लियर आपको क्लियरिटी के साथ दिखाएंगे पूरा पूरा। और बुरास के फूल बहुत मस्त, एकदम लाल हो रखा पूरा पेड़ बुरास के, बहुत बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है बुरास का। यहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं बुरास के, और एक ये ऊपर पे भी है, ये रहा। अब ये फोटोग्राफी करते हुए चलेंगे हमारे साथ और हम लोग यहाँ पे खूब मजे करने वाले हैं। और हम आपके लिए बर्फ की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो बर्फ सामने पे है, लेकिन आई थिंक आपको हल्के हल्के दिख रही होगी। ये रे बीच पे वाइट्स वाइट्स ही, ये यहाँ पे की बर्फ है। और कल यहाँ पे आपको, कल आपको यहीं पे लेके जाएंगे हम, यहाँ से इतनी दूरी पे हम लोग जाने वाले हैं, तो कल यहाँ पे हम लोग मजे करेंगे। तो अभी भी हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। और ये रहे, बहुत बढ़िया से
करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएंगे। और मैं आपको हॉस्टल दिखाता हूँ। तो ये रहा एकदम बढ़िया सा हिमालय की तस्वीर आपके सामने। बहुत प्यारा सा नज़ारा आ रहा है, इतना प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा सा व्यू आ रहा है। हम अमन के गांव का व्यू देखेंगे, बहुत प्यारा सा नजारा आ रहा है। और नीचे एकदम टूरिस्ट प्लेस, एकदम बहुत तगड़ा सा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, लेकिन बहुत प्यारा सा लग रहा है। और आगे खेत है सारे, अब हम हिल क्लाइंबिंग कर रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं मज़े से। यहाँ पे बॉडी में आके थोड़ी गर्मी लग रही है, अच्छी खासी। अभी वो ऊपर जाना है, शाम को ढूंढने हजे बात शाम के टाइम पे काम लगा हुआ है, कुछ बन रहा है। पीसफुल और एकदम बहुत बढ़िया से लगा, शांति से भरा है। कुछ सेकंड, ये रहा अमन का घर और हम फाइनली यहाँ पे जाके पहुँच गए हैं। आगे से चल भाई। बिना बताए मत टपकना है बे। अरे बहुत मस्त सा गांव है एकदम, हम वहां से चल के आ रहे थे। और फाइनली हम पहुंच गए। ये रही मन की दादी। सामने पे अमन अपने दादाजी को दवाई कर रहा है एकदम, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर शायद हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे मज़ा करने वाले हैं तो आपको हम दिखाते रहेंगे और साथ साथ में आपको एंटरटेन करते रहेंगे। और एकदम पीछे मेरे एकदम तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा वो भी, और एकदम बहुत तगड़ा सा व्यू आ रहा है। तो हाथ धो रहे हैं और नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। ये रहा वो पीछे का व्यू, बहुत ही यहाँ से एकदम इतना बहुत बढ़िया सा नज़ारा दिख रहा है। ये मैं ये अभी मुँह हाथ धो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग पूरा गांव वाले ट्रेन में आ चुके हैं, पूरी गांव वाली एकदम बहुत मस्त वाले फीलिंग है। क्या निकल बोलते उसको
ठंडा लग रहा तेरे को? गर्म मानसी देखो, तू क्यों बोल रहा ठंडा लग रहा? अबे इतना इतना भी ठंडा नहीं हो रहा है, तो काफ़ी है यार। फटाफट दोनों तो फटाफट सो गाइस फाइनली हम लोगों ने दादी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खा लिया है। राजमा खाई थी हमने, राजमा की दाल वगैरह, घी खाया था, रोटी खाई थी, छाछ पी थी और अभी पेट हो चुका है फुल। तो अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले घूमने के लिए। तो मैंने ये डाइट थका है एकदम, पता नहीं सॉल सूल उड़ उड़ के, गर्मी हो रही है और इधर गर्मी हो रही है और इधर को पूरा जंगल है। अभी तो बहुत मस्त सी धूप लग रखी है और इधर को पूरा जंगली जंगल है। सो गाइस हम हो चुके हैं रेडी और अभी अमन हमें लेके जा रहे हैं कोई दूसरे गांव पे। तो अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं साथ में अमन, अमन की दादी और मैं जा रहे हैं, तीन के तीन जा रहे हैं। तो शायद उधर कुछ पूजा वगैरह कथा वगैरह भी है, तो हमने सोचा कि हम घूम के भी आ जाएंगे और चले भी जाते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से और अभी बहुत बढ़िया सी धूप है। तो अमन मुझे अपने गाँव में घूमने का पहले हम थोड़े मौका मिला तो हम लोग वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे। फिर हम लोग साथ अपने गाँव में घूमेंगे, तो हम थोड़ा बाहर वगैरह जाएंगे घूमने, तो साथ में चलते हैं और मज़े करते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है, ये बांज के पेड़ फूल हमारे सामने किस चीज़ का पेड़ है? खुमानी, खुमानी का ना, और खुमानी आने वाली है, मतलब फूल आ चुके हैं इस पेड़ पर। ये रहा पूरा सफेद रंग का फूल से और इसमें बहुत सारी चक्रों में डालियाँ बहुत खाई है। ये पेड़ एकदम सफेद रंग का और इसमें फूल आ रखे हैं, उस टाइम बाद इसमें खुमानी लग जाएगी। हाँ गाली क्यों खाई इसमें, इस पर कुछ करना अच्छा। सो मस्त मस्त हवा चल रही है, हमें उस पहाड़ के पीछे जाना है और अभी हम इतने नीचे हैं तो साथ में चलते हैं मजे करते हुए। क्यों अमन? फाइनली हम आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाएंगे वहां पे और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, अब जाके थोड़ा सीधा रास्ता रखा और हम यहाँ पे पहुंच गए हैं और थोड़ी देर बाद अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। क्या नहीं नहीं, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, मज़े मज़े में खेलते हुए जा रहे घर को। तो गाइस फाइनली हमें जहाँ हम जा रहे हैं उधर गाने वगैरह लग रखे, मतलब कथा वगैरह चल रही है तो उसकी हमें आवाज़ आ रही है, कथा वगैरह हो रही है तो उधर हमें आवाज़ आ रही है और हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। और पीछे इतनी भीड़ आ रही है जो हमारे साथ जा रही है, तो फ़ोन कर उनका फोन है। हेलो गाइस, इस गांव पे जाना है और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, हमें इस गांव पे जाना है और यहीं पे वो पूजा हो रही है। अभी हम यहाँ पे हैं और ये अमन लोग गए, मैं यहाँ पे जाना है और हम जा रहे हैं और कुछ ही टाइम बाद हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो आपको भी दिखाते हैं कि कैसे होती है अमन के गांव में पूजा वगैरह, तो चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम उस गांव पे पहुंच चुके हैं काफ़ी दूर चलने के बाद और धूप तो बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है। वैसे मौसम ठीक है, वैसे गर्मी नहीं लग रही लेकिन सर में बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और ये वो गांव है जहां पे हम उस समय
इतने दूर से जिसको देख रहे थे, अब हम उसके एकदम करीब उस गांव के दिल के अंदर घुस चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम दुकान से आ गए, तो हम लोगों ने जो भी खाने पीने की चीज़ थी वो ले ली थी और खा लिया है। तो अभी रात हो चुकी है। सो फाइनली गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि इस वक्त आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई होप कि आपको अमन का गाँव बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ का जो नेचर है और जो ब्यूटी है वो आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो बाय बाय दोस्तों।